अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अशफाक इसहाक सत्ती और उबैदुल्ला सिद्दीकी का संडे एडिशन। और आज एक और तस्वीर हमने खोली है, एक और खिड़की खोली है, और इस खिड़की में हमारे मौजूद मेहमान, हमारे सीनियर, हमारे बड़े भाई सलमान हसन साहब मौजूद हैं। सलमान साहब, थैंक यू, बहुत शुक्रिया टाइम निकालने के लिए। बहुत शुक्रिया आपका। और आपने कहा खिड़की, हम दरवाजों से आने वाले लोग हैं, खिड़कियों से नहीं आते। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं इसका मतलब आते कॉन्टेक्स्ट साहब, समझ ये गया देखे हूँ, ना, लेकिन क्योंकि लेकिन क्योंकि अय्याम ये जो मखसूस वन अय्याम लाइनर्स है गुजर ना चुके हैं। यार, मेरी बात सुने, आप लोगों ने ग्लासेस अपने उतार दिए हैं तो मैं अपने आप को अजीबो गरीब फील कर रहा था सदीकी साहब, तो इसलिए मैंने चश्मा उतार के अब अंधों की नहीं, तरह वो इस सलमान हसन के तो रीडिंग पॉडकास्ट ग्लासेस में। है ना, उम्र का भी तकाजा है। मैं पढ़ने के लिए लगाता हूँ, अभी पढ़ने के लिए सामने कुछ है नहीं ना। आप लोगों को तो मैं असल बहुत पढ़ चुका हमारे तो चेहरे हूँ। इतने खुली किताब की तरह, अल्हम्दुलिल्लाह हाँ माशाल्लाह, रोशन अल्हम्दुलिल्लाह चेहरे, उसके अंदर बगैर बगैर लाइट के भी आप पढ़ सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि अच्छा, जाहिर है कि आपको आदत नहीं एक होगी। दो मोटे मोटे मामलात हैं। एक तो कल से जो इंटरनेशनल मीडिया की जीनत बना हुआ माइक है के अलावा मामला, भी मामलात हैं। सलमान हसन का माइक तो उसी अभी हमने ऑफ एयर ऑफ द रिकॉर्ड समझ लिया है। बड़ा दिलचस्प, मतलब उस पे देखें कितनी से खूबसूरत आपको लाइट मोटे जल रही है, मोटे उसका मामलात याद दिल है। फरेब ब्लैक रंग। मोटी मोटी बातें करने के लिए बहुत अच्छा है। हाँ अब बहुत सारी बातें हम नहीं, रिकॉर्ड में नहीं ला सकते, तो एक तो आज के पॉडकास्ट में हम ये जो आज कोशिश की संगत है ना, इसकी रंगत का अंदाजा आप कर लेंगे। हम तीनों की जो शर्ट के कलर है वो अलग अलग है, तो अल्लाह अकबर। हाँ आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अरे भाई, अच्छा, मुझे एक सलमान भाई एक और चीज बताए क्या, मैं सॉरी इसमें ये कह रहा हूँ कि अभी वहां पर कल मैंने दो एक्ट्रेसेस, एक आयमा बेग, वो आपकी और हमारी पुरानी कुली, और दूसरा वो माया, उनको हमने देखा, वो एक जगह पहुंची और दोनों ने एक जैसे डिजाइनर के मलबूसात पहने हुए थे। अब हम लड़के अगर पहने होते तो जाहिर है कि हमें बहुत खुशी होती कि यार सिद्दीकी साहब या सलमान भाई, हमने एक जैसा सूट पहना है कुछ ने। वहां पर बजाय तो ये वो मुस्कुराए, लेकिन मुझे अंदाजा हो रहा था कि दिल पे छुरियां चल रही होंगी उनके। आपको पता है, ये एक दफा हो चुका है। मसूद रजा, हाँ हमारे बड़े भाई प्यारे दोस्त, तो हम जी, लोग ऐसे ही जैसे हमारे जो कोलीग्स हैं, एंकर्स हैं, हम इकट्ठे होके हमारा प्लान बना कि हम जाएंगे और वो सी व्यू पे जाके कुछ आइसक्रीम खाते या बैठते। ओके तो और भी एंकर्स भी थी हमारे साथ, तो वो यही था, खवातीन एंकर्स भी थी, हमको 5-6 लोग थे। तो हमने कहा कि चलो जी, हम पहुंचे अपनी अपनी गाड़ियों में वहां पे, और जनाबे अली इकट्ठे हुए। तो मैं और मसूद एग्जैक्टली सेम शर्ट हमने पहनी हुई, एक ही ब्रांड, यानी वही एक ही जगह से खरीदी हुई। हमारी खुशी का कोई ठिकाना नहीं, मतलब नाइस। हम तालियां मार रहे हैं, हम तस्वीरें साथ खिंचवा रहे हैं कि यार मजा आ गया, तो जबरदस्त। ये फैक्ट है। और यही मसला अगर खवातीन के साथ हो जाए, वो हो फिर तो आप देखें, वो उस दिन के बाद उन्होंने वो फिर सूट दोबारा नहीं पहनना। आपको ये स्टार्स, हाँ। अंदाजा और मतलब ये आम तौर पर खवातीन के साथ ये होता है, बल्कि और सोचें ये सेलिब्रिटीज माशाल्लाह, ये तो वो उन्होंने जाके कोसा अच्छा, होगा इसमें अपने ना अपने डिजाइनर डिजाइनर्स हजरात को को या अपने सजेशन आप होना को। चाहिए कि वो एक सूट बनाए, एक डिजाइन बनाए, उसके बाद वो लड़ी जो है वो सांचा जो है वो खत्म कर दे, ताकि दूसरा हाँ बंदा जो है, दूसरी खातून, हाँ वो पहन ना सके। तो ये यहाँ हम पर वो सलमान भाई के फांसी की जरिए सजा भी सलमान भाई लड़की को को दे पहुंचा रही देते थी हैं, ऐसे। वो भी डिजाइनर ही है। या फांसी की सजा भी हाँ होगी कि वो कलम तोड़ दें आप बाद में सजा देने के बाद। वो कलर अच्छा, लेकिन आप ये देखें कि शी इज अ वंडरफुल डिजाइनर माशाल्लाह, मतलब एक बड़ा जबरदस्त इनका सलमान भाई का ये काम चल रहा है साथ साथ, और मैंने उनके ड्रेसेस वगैरह मुख्तलिफ लोगों को पहने हुए देखा, दे आर वंडरफुल, तो ये अच्छा है। तो बाकी सलमान भाई भाई ये कल अपने से कंधे यार, पे बड़ा बड़ा बोझ उठा के चल रहे हैं उस ब्रांड का भी, और बड़ी उसकी इंडोर्समेंट वगैरह बड़ी मेहनत करते हैं, और होनी चाहिए। देखें, हम यार दो वैसे तीन एक बात यह है कि मरतबा, मैं अलमिया की बात करता हूँ ना, आप ये देखिए कि हम यहाँ पर बैठे माशाल्लाह, सलमान भाई हमारे भी सीनियर हैं, एंड वी यूज टू लुक अप टू हिम बिकॉज जियो का एक ब्रांड, और ऊपर से फिर सलमान हसन, शहजाद हसन, वो टाइम फिर तारिक मतीन, और फिर ये है कि जावेद इकबाल, ये सारे वो नाम थे, इवन तालिब हैदर, मतलब देर आर सो मेनी पीपल, फिर उसके बाद मोहम्मद जुनेद वगैरह भी आ गया, लेकिन बात यह है कि उस वक्त वी यूज टू लुक अप टू देम बिकॉज ऐसा लगता था कि आपका जैसे वो किबला और काबा एक तरह से हुआ ना मीडिया इंडस्ट्री का, वो जियो ही हुआ करता था। फिर उसके बाद आगे चल के इनके साथ काम करने का मौका मिला तो फिर पता चला कि यार वाकई माशाल्लाह ऐसे ही नाम नहीं होता, एक लेजेंडरी अच्छा, माशाल्लाह, सलमान भाई से पूछते हैं ना, उन्हें बहुत कुछ हमारे साथ सीखा काम इनसे। करके कैसा लगा, उनसे ये एक पूछ जुमला लेते हैं बोलूं, एक जुमला बोलूं, पगले प्लीज। रुलाएगा जी। क्या? और नहीं, एक ये सलमान जो भाई, जुमला है ना, ये अच्छा, जो वन लाइनर्स हैं सलमान हसन के, उफ कमाल यार। ये हमने काफी मरतबा, देखिए हम आपके सामने आज एक कन्फेशन करते हैं, हमने काफी मरतबा कोशिश की ऑफ द रिकॉर्ड भी, ऑन द रिकॉर्ड भी, कि हम ये कॉपी करेंगे, यार ये वन लाइनर बनता कैसे है सती साहब, लेकिन ये हमारे बस और का भाई काम यूं नहीं है, बनता है, ये यूं ये बनता हमारे है, बस का मतलब काम नहीं है। सोचे अभी प्रोड्यूसर शशोपंज में मुब्तला है,
ठीक है हाँ कि भाई ब्रेक लेनी है नहीं, तो उसके बाद उसने गलती और से उसने मुंह बोला से थ्री वन टू उसके मुंह वन से वन के बाद निकलता उसने बोला ब्रेक और सलमान हसन ने वन लाइनर दे दिया है दे दिया, और ऐसा भी नहीं दिया कि कोई चुस्त पड़ा मयारी। उसमें, तो वो प्रॉपर मयारी। तो ये एक बड़ा लर्निंग एक्सपीरियंस था, और बाकी ये है कि काम के लेकिन हवाले यार से एक लगन आई मसला हुआ ना रिमेंबर सत्ती साहब, सत्ती साहब वो इनके साथ गया एक मसला हुआ। अब ये वो देखिए गया हमारे काबा किबला भी रहे, इनके पास इतना जबरदस्त खूबसूरत माइक भी है, सारा कुछ है, और ये माशाल्लाह नजर भी आ रहे हैं स्क्रीन पे आजकल, तो वैसे ही छाए हुए हैं। मजीद इनके साथ साजिश हुई है दो बार हो गया। सलमान भाई ये जरा वाला होश हिस्सा में मैं रहा खास उस तौर पे दिन। भेजूंगा उजमा को भी, लेकिन ये आपके साथ दो बार जब वो साजिश साथ हुई हो, है। साजिश का जिक्र था वो, जब वो साथ हो हाँ साजिश हाँ फिर बात ही बनती है अनासिर ना। को साथ रख के जो है फिर मजा आए ना बात करने का। वो साजिश नहीं ही उ, अनासिर जो है उज्मा को वो मौका सलमान भाई, दे लेकिन दिया। ये मुझे ये बताएं, ये वैसे ये हमारे यहाँ मतलब एक चीज, जैसे मैं अपने आप को मानता हूँ कि जी ठीक है जो काम आ गया ठीक है उसको करना है, जितनी भी दिल जमाई से करना है, लेकिन सलमान हसन मेरे ख्याल में सिद्दीकी साहब इज वन ऑफ द पीपल जो के मतलब कोई ट्रांसमिशन वगैरह हो रही हो या कोई ऐसी चीज है तो वो पहले से वहां पर मौजूद होंगे, एक एक चीज देख रहे होंगे, यू नो प्लानिंग में भी ये शरीक होते थे, फिर बाद में मतलब पहले से वक्त निकाल के यार ये इसको मैं देख लेता हूँ। लेकिन उसके बावजूद मैं ये देखता हूँ कि यहाँ पर फवायद समेटने वाले दूसरे लोग होते, किसी का नाम लिए बगैर, मैं ये ओवरऑल मीडिया इंडस्ट्री में चीज देख रहा हूँ। सलमान भाई इसकी वजह आपको क्या नजर आती है कि सक्सेस रेशियो कहा जाता है ना कि आपकी कमिटमेंट होनी चाहिए, आपके अंदर स्किल सेट होना चाहिए, आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो फिर आपके यू कैन बी एट द टॉप, ये वजह असल क्यों में नहीं है? अशफाक, असल में पहले ना एक कॉन्सेप्ट था हार्ड वर्क होने का, हार्ड वर्किंग यानी कि होने का, फिर उसके बाद स्मार्ट वर्किंग आ गई। तो ये जी मैं जी इसको समझता हूँ कि आप लोगों की ये स्मार्ट वर्किंग है, और ये मैं इसको गलत नहीं समझता। मैं अपनी मिसाल दे दूँ, मेरे सीनियर जावेद इकबाल साहब, ठीक है, मैंने उनसे बहुत सीखा, लेकिन उनको पता नहीं लगने दिया कि मैं उनसे सीख रहा हूँ। ये असल बात यह है कि आप अपने सीनियर से सीखें, और ये मत सोचें कि मैं मतलब यानी कि इससे कोई रेस है मेरी कि मैंने इससे जीतना है। देखिए वो जो एक्सपीरियंस है, तजर्बे का कोई नेमुल बदल होता नहीं है, वो एज सही के है साथ ही आता है। कोई ऐसा नहीं है कि इस माइक में आपको दो तीन बटन नजर आ रहे हैं, मैं एक बटन दबाऊंगा एकदम से मैं तजर्बाकार बन जाऊंगा किसी और से, ऐसे नहीं हो सकता, ट्रू ठीक है ना। ट्रू स्विचिंग करके आप तजर्बाकार नहीं बनते कि आपने एक बस कोई एक चश्मे जदन में बटन दबाया और आप जनाब हो गए। वो वक्त के साथ आता है, हमने भी सीखा, अपने सीनियर से सीखा, अपने साथ वालों से सीखा, अपने जूनियर से भी सीखा। मेरा तो ये मानना है कि जो आपसे जूनियर हैं आप उनसे भी सीखते हैं, और आपको सीखना चाहिए। क्यों? क्योंकि आजकल की जो पौध है, आजकल की जो नस्ल है अशफाक, वो हमसे मेरे ख्याल है 2-3 गुना ज्यादा तेज है। हमारे दौर में देखिए, ऐसे मेरा ही आपका उबैद तो चले फिर भी हमसे जरा थोड़े से जरा छोटे हैं, लेकिन आपका और मेरा वो दौर है कि हमने अपने बचपन में मोबाइल फोन्स नहीं देखे। तो हमारे जो अब ये जो नस्ल है, ये तो अब समझ ले कि होश संभालते ही, बल्कि होश संभालने से पहले ही, जैसे ये जोश संभालती है ना, होश तो नहीं संभालती, जोश संभालती है, तो ये मोबाइल फोन इनके हाथ में आ जाता है। और मोबाइल फोन जो है उसने आपको पता है, जब से मतलब यानी कि स्मार्टफोन जो है वो इजाद हुआ, तो तब से लेके यानी कि आज तक जो है उसमें सिर्फ जिद्दत ही जिद्दत आ रही है। उसमें इतनी जिद्दत आ गई है कि अब आप और मैं इस वक्त भी जो कनेक्टेड है वो मोबाइल फोन से, हमें किसी चीज की जरूरत नहीं, किसी एग्जैक्टली कैमरे की जरूरत नहीं। ये माइक तो मैंने सिर्फ आप लोगों को जलाने के लिए लगाया है, वरना फोन का माइक हाँ, भी काफी, ठीक है ना। तो और साइज मेरा के मानना मामले में यह हम पाकिस्तानी वैसे ही काफी परेशान रहते हैं अक्सर ना, तो इस वजह ये हाँ वजह भी होगी। एग्जैक्टली हाँ एग्जैक्टली उसमें क्वालिटी भी होती है ना, जरा क्वालिटी जी मैटर जी करती है। तो एग्जैक्टली मैटर मैटर साइज मैटर इसका साइज मैटर कर रहा है या क्वालिटी मैटर कर रही है? अभी तक देखिए है ना मौजूद गिराने? क्वालिटी मैटर करेगी तो जाहिर सी बात है कि वो उसपे साइज वैसे ज्यादा हो जाता है, क्योंकि जो इसकी क्वालिटी जो ये लेता है ना, तो वो जो एक MBs होती है साइज, वो हाँ बढ़ जाती है, ठीक है ना। वाह, बेहतर वेरिएंट क्वालिटी मार्केट भी होगी, मेरी देखते फाइल, हुए पाकिस्तानी हाँ फाइल का साइज मार्केट। बढ़ जाएगा, एग्जैक्टली फाइल का साइज बढ़ जाएगा। तो वो ये इशू है। तो वापस आते हैं अपने पॉइंट के ऊपर, ठीक है ना। इधर उधर आप डी ट्रैक करने की ना कोशिश किया करें मुझे। तो बस मेरा मानना यह है कि जितने हम कोशिश कर सकते थे अपने सीनियर से, अपने साथ वालों से सीख के आगे बढ़े, इसी तरीके से करें। लेकिन अब अच्छा उन्हीं में लेकिन से एक कुछ चीज, लोग ऐसे भी होते हैं, उन्हीं में से जो हाँ जाहिर सीख भी रहे होते हैं आपसे। अब जाहिर मैं मिसाल दे देता हूँ, अभी आपने पिछले दिनों देखा सफदर अली, इतना हमारा अच्छा प्यारा भाई है, छोटा एंकर है, उसने टीचर्स डे के ऊपर इतनी प्यारी तहरीर लिखी है, खूबसूरत तहरीर, उसने ट्रिब्यूट दिया हुआ अपने तमाम सीनियर्स को। तो अब ये नहीं कि हम मतलब उसने मेरे लिए लिखा नहीं, मैं जब भी उससे कभी मिलता था या जब हम साथ काम करते थे एक ही इदारे में, तो उसमें टैलेंट था।
असल बात ये कि टैलेंट होता है, टैलेंट को आपको पॉलिश करना है, आपको निखारना है, आपको इंकरेज करना है। अपने साथ के जैसे लोग हैं, अपने जूनियर्स हैं, आप उनको बिठा के ये बुदरज मेहर बनने की कोशिश ना करें आप, ठीक है? आप 30 मार खां बनने की कोशिश ना करें। आप ये ना समझें कि जी आप बहुत बड़े जो है ना वो तुर्रम खाएं। आपके पास नॉलेज है, इसका इदराक आपको है, लेकिन इसका इजहार दूसरे करेंगे, ठीक है? इसकी जो यानी कंफर्मेशन है वो दूसरे करेंगे, वो आपके पीछे बैठ के कहेंगे यार उबैदुल्ला सिद्दीकी क्या क्या बात कमाल है, अशफाक सिद्दीकी क्या सत्ती जो है वो क्या जबरदस्त, मतलब उनकी जुबान है, क्या वो यानी कि बेहतरीन तराकीब इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर आप खुद अपने मुंह मियां मिट्ठू बनेंगे तो फिर इसका मतलब ये है कि फिर ये अब मैं बात समझता आ हूँ ये गई कि गलत है। ये सलमान भाई, तो वो वाहिदुल्ला सिद्दीकी साहब का जो सवाल था कि आपकी हमारे बारे में क्या राय है, हम तो अच्छी राय आपके बारे में हमेशा हाँ, प्राइवेटली और पब्लिकली इजहार करते हैं, आपने आज तक हमारे बारे में क्या राय कायम की, जब आपका से हमारे आप साथ हमारे साथ वर्किंग काम, एक्सपीरियंस कैसा रहा? कैसा रहा? आप भी बिल्कुल मेरी तरह निकम्मे हैं, ठीक है ना? अगर सुपर अगर भाई, निकम्मे ना होते तो हम एक साथ ऐसे ना बैठे होते, ठीक है? हम अभी इतने ज्यादा मसरूफ होते हैं सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया पे और अपनी वीडियोस बनाने में, क्योंकि हम उस नस्ल से ताल्लुक रखते हैं कि जो यानी एक पहले की नस्ल है। अब जो आगे की नस्ल है ना, देखिए उसने वो क्यों अपने आप को सोशल मीडिया पे उसने एंगेज किया, उसकी दो वजूहात हैं। एक वजह यह है कि जो हमारे बाद वाली नस्ल है उनके पास हमारी वजह से, शायद हम ये कह लें हमारी वजह से, या हम लोग शायद इतने मुनासिब थे कि हम जगह नहीं दे रहे थे दूसरों को, या शायद हम इतने ढीठ थे अपने काम में कि वो कोई जगह बना नहीं पा रहा था। तो उसको जब जगह नहीं मिली टेलीविजन के ऊपर, तो उसने ऑल्टरनेट जो मीडियम उसको मिला उसने हाँ, वहां पर अपनी प्रेजेंस बनाई, अपनी अपनी जगह बनाई। और और क्या हम लोग बनाए, निकम्मे इसलिए कह लें कि हम निकम्मे उस सेंस में नहीं, हम इसलिए कि हमें हम इतने मसरूफ रहे सॉरी टीवी में हम इतने मसरूफ रहे और हमें मसरूफ रखा गया, उसको छुट्टी ना मिली जिसने सबक याद किया। अगर पता है कि ऐसे उबैदुल्ला है। सिद्दीकी 6 घंटे की ट्रांसमिशन कर सकता है, उसको बिठा के रखेंगे। अशफाक सत्ती 8 घंटे मुसलसल बोल सकता है, उसको बिठा के रखेंगे। तो जब आपको हमें बिठा के रखा, तो हमने उस टाइम को सॉरी गले को आज पता नहीं कुछ गड़बड़ नजर लग गई है। बस ऐसे ही मौसम ऐसे चल तो रहा है ऐसे। हाँ, तो उसमें क्या कि जी हम आप इतने बिजी रहे, इतने मसरूफ रहे कि हमारी वो समझने के तबीयत में शामिल हो गया कि अब हम नई हमने चीजें नहीं टीवी कर को ही सकेंगे, अपना नई मुत्तन बनाना है, चीजें नहीं कर टीवी सकेंगे। को अच्छा, इसमें मुत्तन एक मसला बनाना है और भी जबकि। है, आपने कहा हाँ कि सत्ती को जी 8 घंटे, अगर सत्ती 8 घंटे बोल सकते हैं तो सत्ती को 8 घंटे बिठाया, इन 8 घंटों में से 2 घंटे उबैदुल्ला सिद्दीकी ने कवर किया, क्योंकि सत्ती साहब जो है वो वॉशरूम में बैठ के फोन किया, यार सिद्दीकी मेरा ना पेट खराब हो गया यार, तू संभाल ले, और सत्ती गायब। तो उबैदुल्ला सिद्दीकी 8 घंटे बैठ गया और सत्ती ने वही 6 घंटे डंडी मार ली 2 घंटे की, और इसमें सबसे यद्य चूल्हा रखते हैं हमारे मामू नहीं, सत्ती अब आप साहब। सोचे, मैंने मामू से भी, मामू को भी मैंने बिठाया, यार सती तू क्या कर रहा है यार, मैंने कहा मैं आया सिद्धार्थ हसन, आप बैठे यहाँ पर। और बड़ी दिलचस्प बात ये होती थी कि सिद्दीकी साहब, अच्छा सलमान भाई की बात क्या थी, सलमान भाई की बात है वो बैठ ट्रांसमिशन कर रहा है या अशफाक ट्रांसमिशन कर रहा है, यार मैं भी जाके बैठ जाऊँ यहाँ पर, मैं इस चीज को थोड़ा सा इस एंगल से देख लूंगा, ये या सलमान एक भाई और की मीडिया सलमान ऐड हसन कर नहीं लीजिए। थी, अच्छा सलमान हसन पहले एंट्री मारते हैं ये पीसीआर में। प्रोफेशनलिज्म, अच्छा ये हाँ पहले वाला सवाल, पीसीआर में अच्छा जाए। उबैद ये वाला भी पूछना ना। अच्छा, उसके बाद थोड़ी देर जब वजीद बेचैनी होती अच्छा थी ना, फिर उसके भागते बाद, पीछे आए थे नहीं, भागते उसमें हुए, एक और भी अच्छा एलिमेंट उसके है, अंदर उसमें एक मेरा और क्या भी होता एलिमेंट था? है, उसमें एक और भी एलिमेंट है हाँ कि हमारे और आपके जो मुश्तरका दोस्त हैं वो पीछे से हमें पुश करके भेजते थे कि यार तुम भी जाके बैठ जाओ। मैं मेरा एतराज ये हाँ होता था कि अगर अगर उबैदुल्ला बैठा हुआ या अशफाक बैठा हुआ है तो फिर ये बैठे रहे, मैं साथ शामिल हो जाता हूँ। ये नहीं है कि जी मैं कहूंगी चलो जी मियाँ तुम उठो और मैं, ये मुझे खुद बुरा लगता है। हाँ, अगर मैं खुद देखूंगा एक ऐसा हाँ एंकर बैठा है जिससे हैंडल नहीं हो रहा, जिससे नहीं हैंडल हो पा रहा, फिर मैं उसको खुद ही हाँ प्यार से तरीके से आप उसको वो वहां से पीसीआर से कहेंगे कि जी आप उठा दें, ठीक है, और आप बैठ जाए, तो वो तो ठीक है। लेकिन जब अच्छा, बैठा और हुआ इसके ही अंदर जो एक है और चीज भी वो होती थी कि मैं जाके पता है क्या कहता था, अभी फर्ज करें शिफ्ट खत्म हो रही है और बैठ खत्म करेंगे दरमियान में, तो मैं गया देखे यार, अच्छा पहले से ही ना मेरा तरीके का, यार क्या जबरदस्त काम कर रहा है यार, मेरे ख्याल में ये जो फ्लो है ना ये टूटना नहीं चाहिए, ही शुड कंटिन्यू, अगला फिर आगे से जा जाके आप यार कुर्सी में रख के तू भी बैठ जा सर। शहजाद हसन के जरासीम पाए जाते हैं, क्योंकि हाँ उनका भी ये था कि जितनी मर्जी इंपॉर्टेंट खबर पे ट्रांसमिशन चल रही है, कितनी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है, अगर उनकी शिफ्ट का टाइम खत्म हो गया और घड़ी पे नजर है सामने से जैसे ही एंकर आया ना, ये नहीं देखना कि ये क्या चल रहा है, शहजाद ने कहा ना इशारा करना, आज बस बस रिप्लेस हाँ करो मुझे जल्दी से, ठीक है? वो कहता मैं बस मेरा टाइम हो गया, फिर 8 घंटे पूरे हो गए, मैं जा रहा हूँ, ठीक है ना? ये उनका अच्छा, और खासा दूसरी है। एक और चीज पता है क्या थी, यहाँ पर कराची में हम लोगों ने साथ काम किया था ना आज टीवी में, तो वहां पर होते हुए ये हुआ कि वो मतलब उन लोगों को कुछ एतराज,
सती साहब, सती साहब का इंटरनेट जो है ना वो इंटरनेट धोखा देंगे। अच्छा शहजाद की एक और आदत थी जो मैंने सीखी जो कि बड़ी अच्छी आदत थी, हम उनको उनको डिस्कस कर ही रहे, वो 15 मिनट पहले आ जाते थे उस पे स्टूडियो आ जाते थे। अच्छा वी आर स्टिल रिकॉर्डिंग, ठीक है। अच्छा है? ठीक है, अभी चल रहा रिकॉर्ड हो रहा है सिद्दीकी साहब, रिकॉर्ड पे सर आप प्लीज कंटिन्यू करें। शहजाद हसन और मैंने आज टीवी में भी काम किया ना, तो हम लोग वहां पर उनका ये था, यहाँ पर कभी होता है ना एंकर अपनी तरफ से कुछ पढ़ देता है, कुछ करेक्ट कर देता है, तो वो कुछ लोगों को हजम नहीं होता। आपको पता है सलमान भाई कि वो एंकर से काफी एक मुखासमा रखते हैं, इससे पहले भी वो न्यूज रूम और एंकर की। अच्छा पहले तो ये होता था ना एंकर की तनख्वाहें ज्यादा हुआ करती थी, काफी बेहतर हुआ करती थी, अब तो न्यूज रूम की भी वहां तक पहुंच गई, लेकिन उसके बावजूद ये चीज, तो उन्होंने क्या किया कि कहा कि ये जो प्रॉम्प्टर से पढ़े। हाँ ये बात है, ये बात, ये अलमिया है वैसे। अच्छा उसके अंदर फिर क्या हुआ कि आप ये देखिए कि मुझे लग रहा है हम फिर अटक गए। आपके एंड से अटके थे, बोले एक सेकंड अभी हम आ गए। आप आ रहे हैं, प्लीज बोले। तो उसके अंदर ये है कि शहजाद हसन और मैंने, सिद्दीकी साहब आप मेरे पास अटके हुए हैं, मैं वैसे भी अटका हूँ, मुझे अक्सर अब तो लोग अटक से आगे निकल गए। अजय सुने तो शहजाद हसन का मैं आप लोगों को बता रहा था कि शहजाद हसन, हाँ यार भाई वन लाइनर तो इनके कमाल है। तो शहजाद हसन को उन्होंने बेसिकली कहा कि यार जो प्रॉम्प्टर पे हो ना आप वो पढ़े। अच्छा उसके बाद ये कोई ब्रेकिंग आई कुछ इस तरीके से हुआ, तो उन्होंने कहा कि जी आप अपनी तरफ से बोले, उन्होंने कहा नो इट शुड बी ऑन द प्रॉम्प्टर, इट शुड बी ऑन द प्रॉम्प्टर, और फिर उन्होंने पढ़ा वो जो प्रॉम्प्टर पे था एज इज, जिस तरह मिसाल के तौर पर टिकट जाते थे आपको पता डिस्कनेक्टेड सेट कर कॉमा, उन्होंने पढ़ा वजीर आजम ने कहा ये, वजीर आजम फलाने ने कहा ये फलाना, मतलब हर किसी का नाम एंड में पढ़ते पढ़ते एंड में वो तंग आ गए। उस इदारे में पॉलिसी आ गई थी कि अखबार वाले स्टाइल में लिखना है, तो उन्होंने प्रॉम्प्टर पे वो ब्रेकिंग न्यूज़ उस तरह देना शुरू कर दी, बल्कि सलमान भी बाद में आप लोग जब चले गए थे तो 9 बजे इवन ओसीज भी इस तरह थे, जो हम ऑन कैमरा रीडिंग करते हैं व्यूअर्स के समझने के लिए, वो भी इस तरह थे बयान और एंड पे कॉमा वजीर आजम, हमने उस तरह पढ़ना शुरू कर दिया। कितना दिक्कत होती है, आप ये सोचिए कि हम तो विद एक्सपीरियंस हमें इतना ये हो गया था आइडिया, लेकिन ये कितना अजाब है कि आप उसके अंदर से देख के उस वक्त लाइव पढ़ते हुए आप उसके अंदर से वो तरकीब ढूंढने के बाद ये जुमला अगर कनेक्टेड बात याद दिला दी। एक दफा बड़ा जबरदस्त वाकया हुआ जब हम जियो में थे, दुबई में, दुबई से खबरें पढ़ते थे उस जमाने में, आपको याद है कि अल्ताफ हुसैन साहब के जो जाहिर बयान, जो उनके प्रेस रिलीज आते थे वो फौरन खबर बनती थी, और खबर बन के जनाब फटाफट ऑन एयर, और उसमें जो है ना वो जाहिर मामूली कुछ तहरीर भी की जाती थी या हल्का फुल्का उसमें जो है ना वो तब्दीली की जाती थी हल्की फुल्की। अच्छा एक दिन क्या हुआ कि जनाब हमारे और आपके जो है वो हरदीर अजीज खुरम कलीम साहब, मैं स्टूडियो में बैठा था और वो आए जल्दी से, उन्होंने कहा यार वो ब्रेकिंग है, पर वो जल्दी से ब्रेकिंग कर रहे हैं, ये पढ़ दो ब्रेकिंग है, पेपर लेकर आए ना, एक प्रेस रिलीज था। तो अच्छा मैंने कहा कि ये तो प्रेस रिलीज लग रहा है मुझे, तो कह रहे बस बस हम ऑन एयर जा रहे हैं, ऑन एयर जा रहे हैं, और फिर मुझे जैसी 5-4 वो हो रहा है कान में मुझे आवाज आई आईबी में, कहते हैं यार वो जहां जहां पर इज्जत माब जनाब अल्ताफ हुसैन साहब लिखा है वो खुद मैनेज कर लेना, ठीक है ना, जाहिर है हम तो अल्ताफ हुसैन कहते हैं ना खबर की फॉर्म में। अब आप सोचिए मेरा कितना बड़ा इम्तिहान कि मैं प्रेस रिलीज जो है वो वहां से देख के पढ़ रहा हूँ पेपर से, और मैं साथ साथ जहां जहां पर इज्जत माब जनाब अल्ताफ हुसैन साहब, ठीक है ना, तो अब वो खबर जो है उसमें तो हम नहीं ये सारे अल्फाज जाहिर है पढ़ते, वही एडिट होता था, ऐसे भी इम्तिहान में डाल दिया जाता है कि बस आपने इससे जो है ना इससे देख के पढ़ना है। एक मेरी बात सुनिए, ये तो सोचे, ये तो चले एक अलग चीज है, यहाँ पर कराची में होते हुए एक न्यूज रूम में हुआ ये कि प्रेस रिलीज आया करती थी 90 से, उस वक्त आपको पता है बड़ा एक्टिव हुआ करता था, उनके उस वक्त जमात इस्लामी से कोई टसल चल रहा था, ठीक है, आपको पता है कराची में जो पॉलिटिक्स है आप बेहतर जानते हैं, आप दोनों बल्कि बेहतर जानते हैं, तो वहां पर यह था कि एक प्रेस रिलीज आई और उसके अंदर उन्होंने कहा कि इस प्रेस रिलीज के टिकर बना के एज इज चला दें। अब वो रात की शिफ्ट थी और हमारे एक दोस्त थे जो आजम गोंदन साहब थे, उन्होंने कहा कि भाई ये आगे फॉरवर्ड कर दें, तो उस वक्त एंकर जो है वो फारिग बैठे होते थे, वहां पर पूरा वीक खबरें नहीं होती थी, तो 2 दिन फ्री होते थे, तो हम इधर से उधर कटी पतंग की तरह घूम रहे होते थे, तो खैर वो प्रेस रिलीज आई आगे दी, तो वो लड़का टिकर बना रहा, अब वो लड़का मास्टर्स था माशाल्लाह से, तो उस टिकर बना लिया और वो चलाने लगा, उसने कहा चला दूं, मास्टर्स किया हुआ था, मास्टर्स किया हुआ था, आप ये अंदाजा कीजिए,
तो अब ये वो मास्टर भी था, तो उसके बाद उसके अंदर ये था कि अब मैं उन रहनुमा का नाम नहीं लिखूंगा, लेकिन प्रेस रिलीज में ये था कि फलां रहनुमा जो है वो ये हैं और फलां रहनुमा जो है वो कौम लूत के पैरोकार हैं। ठीक है, अब आप सोचिए कि उन जिन रहनुमा के बारे में बात की गई थी, उस शख्स को ये समझ नहीं आया कि कौम लूत के पैरोकार का है, तो उसकी वजह क्या हो सकती है, किस बिना पे कहा गया है, क्या उसका रिलेटेबिलिटी क्या है, और वो और तैयार था चलाने को। तो उसकी मैंने कहा शिद्दत क्या हो सकती है मास्टर था और उसकी ना। शिद्दत क्या। तो अब ये सोचिए कि ये भी एक बड़ा अहमिया है कि प्रेस रिलीज भेज दी जाती है और फिर समझा जाता है कि उसको एज इज अगर रखा जाए तो अच्छा बड़ी मुश्किल वैसे हो सकती अब है। हमारी जो गुफ्तगू है वो काफी तवालत अख्तियार कर गई है, और जाहिर है व्यूअर्स का एक टेम्परमेंट है हमें बर्दाश्त करने का भी, तो हम इसको कंक्लूड करते इससे पहले कि ये तवालत जो है ये जलालत में तब्दील हो, आप मौजू चेंज कर दो। मैं इसको इस तरह से कंक्लूड करना चाहता हूँ, सलमान भी देखें हमारे बहुत सारे लोगों के साथ काम करने का एक्सपीरियंस रहा, आपके साथ भी बहुत मौकों पे बैठे, मुझे वो पनामा वाला बेंच भी याद है, एक तरफ वो बेंच था और दूसरी तरफ हम बैठे थे, और मेरी क्या तस्वीर पे बात आपने आगे लिखा कि चेंज द पोजीशंस, आप थे या सत्ती था, आप दोनों में से किसी एक ने अकाउंट किया था। लेकिन मेरा पर्सनल फेवरेट आपके साथ जो दिन है वो है 22 अगस्त 2016, जब मैंने और आपने कराची प्रेस क्लब की हैपनिंग्स को बैठ के समेटा था, और पाकिस्तान कराची की सियासत में खास तौर पे एक नई चीज, एक नया इनकलाब आया था ठाकुर की सूरत, तो मेरा पर्सनल फेवरेट है, और हाँ। हम आपकी बड़ी इज्जत करते हैं, आपसे बड़ा प्यार करते हैं, और आप मार्जिन देते हैं तो हम आपसे छेड़छाड़ भी कर लेते हैं, आपका बड़ापन है। और सती दूसरी साहब एक और उल्टी चीज, हो गई। मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा, ये जो सारी बात हो रही थी ना तरक्की करना और ये सारी चीजें और सोशल मीडिया पे आए, हमारा एक जो अभी तक उस तरह से बूस्ट क्यों नहीं मिल पा रहा, वो वजह उसकी ये है कि अभी वो लाहौर वाला किस्सा मैं बार बार करता हूँ, वो जो डिलीवरी बॉय वाला किस्सा है, वो लड़की वाला और उसका आमना, मेरे ख्याल में लड़की का नाम है रईस, उस डिलीवरी बॉय का नाम था और उसका शौहर था, तो उस डिलीवरी बॉय को मार दिया गया। अच्छा, उसके अंदर जो मैंने रिपोर्टिंग देखी, एक तो हर बंदा रिपोर्टर बन के, पहले ऐसा नहीं होता था कि हर किसी की एक्सेस हो जाके वो थाने में जाके वो इंटरव्यू ले रहे अपने अंदाज में, और उसके ऊपर जो खुदा अल्लाह माफ करे जो उसके अंदर जो कैप्शंस यूज किए हुए थे, और हमारी पाकिस्तानी कौम जो है वो इस तरह की तजस्सुस और इस तरह की कैप्शंस पढ़ के, जिस तरीके से क्लिक बेट्स देख के कि जी वो पकड़ी गई तो ये था, तो वहाँ ये हो रहा एक्चुअली था, तो वो था, मतलब आई एम श्योर कि आप लोगों की नजर से भी गुजरे होंगे, तो हम लोग ये काम भी नहीं कर सकते, क्योंकि जितना भी हो जाए, आई रिमेम्बर कि मैंने यूट्यूब शुरू किया था, सिद्दीकी साहब आपको याद होगा आज से तकरीबन 1.5 साल पहले, उस पर एक दो कैप्शन ऐसे लगे कि मैंने कहा कि यार ये नहीं चलाना, और आई एम श्योर सलमान भाई आप भी और सिद्दीकी साहब आप भी इन चीजों से गुजरते होंगे कि ये हमारे लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है, क्योंकि हमारी जो तरबियत रही है कि कई मराहल से गुजर के अपनी करेक्शन करके, और हमारे ऊपर भी जो एडिटोरियल एक्सपर्टीज रखने वाले लोग होते थे वो ये मना करते थे, यानी कि टिकर और वन लाइनर सलमान भाई भी जो अपने कंप्यूटर जैसे दिमाग में बनाते हैं, तो उसके अंदर से भी काफी चीजें तरमीम करके, वरना अल्फाज आपके जहन में भी बहुत आते हैं और हमारी वोकेबलरी बहुत अच्छी होती है, लेकिन हम ये नहीं कर पाते, तो कर शायद नहीं ये भी एक सकते, और रीजन है हम कि ये ना हमने करके हमारे खुश हैं में उठ कमियां रहे हैं। देखी। सलमान भाई आपके अल्फाज के साथ हम इसको कंक्लूड करेंगे भाई। हाँ इसमें मैंने ना एक दफा पॉडकास्ट की थी, उनको बुलाया था अली हैदर को, सैयद अली हैदर, तो अली हैदर भी जाहिर है हमारे बात के अच्छे एंकर्स में से हैं, बड़ा अच्छा उन्होंने नाम भी बनाया अपना और काम भी अच्छा किया उन्होंने, और डिजिटल मीडिया पे जितनी उन्होंने अपनी जी जी इज गुड। प्रेजेंस जाहिर की है इसमें कोई शक नहीं है। तो उस पॉडकास्ट में मैंने उनसे यही सवाल किया था, मैंने कहा था कि अली देखिए हम जो हैं जिस समझ लें कि एरा के हैं, हम ये कह सकते हैं जिस एरा के हैं, तो मुझे घबराहट होती है इस तरह के थंबनेल्स बनाते हुए, इस तरह की गुफ्तगू करते हुए, या इस तरह के टॉपिक पे बात करते हुए जिसको हम टैबूज कह लें, लेकिन अब शायद आम हो गई ये बात, खासकर ये कि मैं ये सोचता हूँ कि जी मैं कोई अगर इस तरह का थंबनेल बनाऊंगा तो हो सकता है कि मेरी फैमिली का कोई मेंबर भी उसको देख रहा हो, ये भी तो अज्यूम करना ही है ना, आगे देख रहा होगा, तो उस वक्त क्या फीलिंग होगी आपकी। तो और वो भी आप पब्लिक कर रहे हैं, देखिए ना एक चीज जो आप मिसाल है अपने ड्राइंग रूम में बैठ के गुफ्तगू कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, या हम कहीं किसी चाय के ढाबे पे आपस में बात कर रहे हैं, गुफ्तगू अलग बात होती है, लेकिन जो मैसेज के लिए है, जो आपने सबके सामने बात करनी है, गुफ्तगू करनी है, क्योंकि उससे मतालिब निकाले जाएंगे, उससे लोग जो जी हैं जी वो कुछ ना कुछ सीखेंगे, और वो आपसे मुतालिक कोई परसेप्शन भी कायम कर सकते हैं, तो इसलिए बड़ा ऐसे राय जरूरी है। करने तो से। भी कहा कि नहीं आप सही कह रहे हैं इसमें इस तरह होने नहीं चाहिए, तो फिर मैंने उन्हीं के चार थंबनेल्स दिखाए प्रिंट आउट कि ये क्या है, तो उन्होंने कहा कि ये आप बात सही कर रहे हैं, ये गलत, ये होने नहीं चाहिए थे। मैंने कहा तो फिर ये क्यों है, उन्होंने कहा ये मैंने नहीं बनाए, मैंने तो कह दिया था आगे, मैंने कहा लेकिन ये बात भी फैक्ट है कि अगर आप ये ना बनाते तो उस पर व्यूअरशिप तो ना वो आती, व्यूअरशिप ना होती। देखता हूँ आपको एग्जैक्टली। अब देखिए मैं एक बात कहता हूँ कि पहले जो है वो आपको अब मयार भी तो तब्दील होते हैं ना, पहले हमने कहीं जॉब करनी होती थी तो हम अपने सीवी, हम सीवी भेजते, ठीक है ना, तो सीवी स्टैंड्स फॉर करिकुलम वाइटे, अब वो सीवी जो है वो है वही सीवी बट वो क्लिक्स एंड व्यूज बन गया है,
ठीक है, ऐसे वो जो स्थिति है जिसको हम ऐसे करिकुलम वाइटे कहते थे, अपनी डिटेल लिखते थे कि जी हमने ये पढ़ाई की हुई, ये किया हुआ है, अब वो मैटर नहीं करता, अब कुछ मैटर नहीं करता, अब क्लिक्स एंड व्यूज मैटर करते हैं। आप देख लें कि आज के दौर में जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, बड़े बड़े चैनल्स के, उन पर जिन लोगों को हायर किया जा रहा है, उनकी किसी एजुकेशनल बैकग्राउंड, उनकी कोई जर्नलिस्टिक अप्रोच इस पर नहीं किया जा रहा, बल्कि उनको ये देखा जा रहा है, ये देखा जा रहा है कि उनको कितना देखा जा रहा है, लोग उनको कितना देखते हैं, हाँ बस ये एक मिनिमम एक रिक्वायरमेंट जो है ना, प्री रिक्विजिट इसे कह लें कि ये यानी रखें। मुख्तसर ये कि अब हमारी इस वीडियो को भी आप क्लिक करें, मेरा भी चैनल है, सती साहब भी अपने तहीं काम कर रहे हैं, सलमान भाई भी अपने तहीं काम कर रहे हैं, हम सब एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, आप लोग भी अगर मुनासिब ऐसे ही कंटेंट हो देखना सकता चाहते हैं हमारे प्लेटफॉर्म हाजिर हैं, और हम ये संडे एडिशन का सिलसिला जारी रखेंगे। सलमान भाई है, थैंक यू कोई सो नहीं मच, देखेगा, आप यकीन जानिए, इतनी हम हमने एक काम मुनासिब करके फिर अच्छी भी तरह राजी लिखी हैं, है, मुतमईन आपस हैं। में हम देख के खुश हो जाते हैं। वजह ये, यहीं पे मैं और आप जरा कोई जूम आईने गुफ्तगू अभी शुरू कर देते हैं, कोई गालम गलोज, एक दूसरे से बदतमीजी, कोई उल्टी सीधी हरकतें, बातें, आप देखिए वो उस पे कितने व्यूज आएंगे, आप देखिए, अच्छी बात तो ऐसे बिल्कुल ही नहीं ध्यान रखा, है। आपके माइक की ऑडियो क्वालिटी ठीक थी, मजा आया आपको सुन के। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सतीश साहब, थैंक यू, इंशाल्लाह अगले संडे एडिशन के साथ थैंक आपसे यू सो मुलाकात मच होगी। जी, थैंक यू, थैंक यू, अल्लाह बहुत शुक्रिया इंशाल्लाह फिर आपका, मुलाकात बहुत होगी, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़ एवरीवन।